सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल क्रेजी जीके ट्रिक और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकन को दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। दोस्तों, इस वीडियो में देखिए वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज का अगला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे जो कि है विश्व की नदियां, वर्ल्ड रिवर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अक्सर एग्जाम में देखा होगा आपने कि इस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो ये टॉपिक मैं आपको अच्छे से डायग्रामेटिकली मैप के माध्यम से समझाऊंगा जिससे कि आप बड़ी आसानी से समझ पाएंगे। जस्ट आपको देखिए ध्यान से सुनना है, ऑटोमेटिकली सारी जो चीज़ें हैं आपके दिमाग में सेट हो जाएगी। लास्ट में देखिए एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर टेस्ट भी हम लगाएंगे 30+ क्वेश्चंस का, जो लास्ट ईयर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं और जो पूछे जा सकते हैं वो सारे क्वेश्चन हम टेस्ट में सॉल्व करेंगे। साथ ही अगर आपको इस टॉपिक का देखिए PDF डाउनलोड करना है तो क्रेजी जीके ट्रिक का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, हम लेक्चर को शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, कॉन्टिनेंट वाइज हम अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे। हर एक महाद्वीप की सभी इंपॉर्टेंट नदियों को हम एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं देखिए एशिया की, एशिया महाद्वीप की। ओके, तो देखिए सबसे ज़्यादा नदियां जो हमको डिस्कस करना है वो एशिया और यूरोप में ही करना है। बाकी में तो मैं आपको 3 या 4 इंपॉर्टेंट रिवर बताऊंगा, बस आपको उतना ध्यान रखना होगा, थोड़ा सा बस आपको एफर्ट लगाना होगा वो एशिया और यूरोप में। क्लियर? तो सबसे पहले हम एशिया की बात कर रहे हैं। तो एशिया की सबसे पहली नदी देखिए इंपॉर्टेंट आती है यांग्सी नदी। यांग्सी नदी जो है ये एशिया की सबसे लंबी नदी है। ओके, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांग्सी नदी, जो कि तिब्बत के पठार से निकलती है। कहाँ से निकलती है? तिब्बत के पठार से। तिब्बत के पठार से निकलने के बाद बहती हुई ये कहाँ पर जाकर मिल जाती है? चीन सागर में जाकर मिल जाती है। ओके, ध्यान रखिएगा तिब्बत का जो पठार है ये विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई वाला पठार है। ओके, जो कि कहाँ पर स्थित है? तिब्बत रूस में स्थित है। तिब्बत के पठार को ही पामीर के पठार के नाम से भी जाना जाता है, तो इसको लेकर कन्फ्यूज मत होइएगा। तो हमने डिस्कस करा एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांग्सी नदी। इसके बाद देखिए अगली इंपॉर्टेंट नदी कौन सी है एशिया की? हुआंगो नदी। हुआंगो नदी जो है वो एशिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इस नदी का उद्गम जो है वो कुनलुन पर्वत से होता है और इसे पीली नदी, येलो रिवर के नाम से भी जाना जाता है। येलो रिवर किसे कहा जाता है? हुआंगो नदी को कहा जाता है, क्योंकि इसके जल में देखिए पीली मुलायम मिट्टी बहते हुए आती है, इसलिए इसका पानी जो है वो पीले रंग का दिखाई देता है। ध्यान रखिएगा इस नदी में सबसे ज्यादा बाढ़ देखने को मिलती है, इसीलिए इसे चीन का शोक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चीन का शोक किसे कहा जाता है? वांगो नदी को कहा जाता है। देखिए बाढ़ अधिक आने की वजह से विश्व की सर्वाधिक विश्वासघात वाली नदी भी इसे कहा जाता है। किसे? वांगो नदी को। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने डिस्कस करें। चलिए एशिया की अगली इंपॉर्टेंट नदी की बात करते हैं, तो वो आती है देखिए माही नदी। ये नदी भारत में स्थित है, जिसका उद्गम कहाँ से होता है? मध्य प्रदेश के धार जिले के पास विंध्याचल पर्वत श्रेणी से इसका उद्गम होता है और ये नदी बहते हुए अरब सागर में जाकर मिल जाती है। क्लियर? इस नदी की खास बात देखिए ये है कि ये नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी जो है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इसके बाद देखिए अगली इंपॉर्टेंट नदी आती है मेकांग नदी। यहाँ से देखिए 2 से 3 बार क्वेश्चन पूछ लिया था एग्जाम में। क्या पूछा था मैं आपको बताता हूँ, मेकांग नदी जो है वो किन किन देशों से होकर बहती हैं आपको ये पता होना चाहिए। ये नदी देखिए कहाँ से निकलती हैं? तिब्बत के पठार से निकलती हैं, जो कि म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, चीन, इन सभी देशों में बहते हुए दक्षिणी चीन सागर में जाकर गिर जाती हैं। मेकांग नदी जो है वो कहाँ कहाँ से होकर बहती हैं, बस ये चीज़ ध्यान रखिएगा, थाईलैंड, कंबोडिया, म्यांमार, वियतनाम, चीन, इन सभी देशों में होते हुए ये दक्षिणी चीन सागर में जाकर गिर जाती हैं। ओके फ्रेंड्स, ये मलेशिया से होकर नहीं बहती हैं और इसको लेकर देखिए 2 से 3 बार एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होते हुए पूछा गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए अगली इंपॉर्टेंट नदी आती है साल्विन नदी। ये नदी जो है तिब्बत के पठार से निकलती है और दक्षिण की ओर बहती हुई म्यांमार से निकलकर ये अंडमान सागर में गिर जाती है। ध्यान रखिएगा म्यांमार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? साल्विन नदी ही है। इसके बाद देखिए एशिया की अगली इंपॉर्टेंट नदी कौन सी आती है? सिंधु नदी। सिंधु नदी जो है ये पाकिस्तान में बहने वाली प्रमुख नदी है और सबसे लंबी नदी है सिंधु नदी, जो कि तिब्बत के मानसरोवर से शुरू होती है और बहते हुए अरब सागर में गिर जाती है। कहाँ पर गिर जाती है? अरब सागर में। अरब सागर में गिरने से पहले इसमें बहुत सारी नदियां जो है वो आकर मिल जाती हैं। कौन कौन सी? झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलुज, ये सारी नदियाँ जो है आकर सिंधु नदी में मिल जाती हैं और लास्ट में जाकर ये सिंधु नदी जो है अरब सागर में गिर जाती हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए अगली इंपॉर्टेंट नदी आती है महावेली गंगा। महावेली गंगा जो है, बस इतना ध्यान रखिएगा कि ये नदी जो है श्रीलंका में बहने वाली नदी है और
और श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है महावेली गंगा। आगे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट नदियों का आपको नाम बता रहा हूं जो कि रूस की प्रमुख नदियां हैं। कौन कौन सी? आमूर, ओब और लीना। ये तीन नदियां जो है रूस की प्रमुख नदियां हैं जो कि उत्तर की ओर बहती हैं, ठीक है। और जिसमें आमूर नदी जो है ये रूस और चीन की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। कौन सी? आमूर नदी। आमूर, ओब और लीना, ये तीनों नदी जो है ये रूस की प्रमुख नदियां हैं। तो फ्रेंड्स, ये एशिया की सभी इंपॉर्टेंट नदियों को हमने डिस्कस करा। इसमें यांगसी नदी जो है वो एशिया की सबसे लंबी नदी है। अगला देखिए महाद्वीप आता है हमारा यूरोप। यूरोप में हम 6 से 7 इंपॉर्टेंट नदियों को डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले नंबर पर आती है देखिए वोल्गा नदी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है जो कि वल्दाई पहाड़ से निकलती है और बहते हुए कैस्पियन सागर में गिर जाती है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि वोल्गा नदी जो है वो कहाँ पर गिरती है, तो ध्यान रखिएगा कैस्पियन सागर में गिरती है। इसके बाद देखिए यूरोप की अगली इंपॉर्टेंट नदी आती है डेन्यूब नदी। डेन्यूब नदी जो है ये यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी नदी है जो कि जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलती है और बहती हुई काले सागर में जाकर गिरती है। ओके, काले सागर में कौन सी नदी गिरती है? डेन्यूब नदी। काले सागर में गिरने वाली एक और इंपॉर्टेंट नदी है यूरोप की, ध्यान रखिएगा नीपर नदी। नीपर नदी और डेन्यूब नदी, ये दोनों नदियां जो है कहां पर जाकर गिरती हैं? काले सागर में जाकर गिरती हैं। इसके बाद देखिए अगली इंपॉर्टेंट नदी आती है राइन नदी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बहुत बनते हैं एग्जाम में। ये नदी जो है यूरोप की सबसे व्यस्तम आंतरिक जल परिवहन मार्ग बनाती है और इसी नदी पर यूरोप का सबसे व्यस्तम बंदरगाह जो है टॉर्डम बंदरगाह वो स्थित है। किस नदी पर? राइन नदी पर। इसलिए इस नदी को यूरोप व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है। यूरोप की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? राइन नदी को कहा जाता है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। राइन नदी जो है ये आल्प्स पर्वत पर रिफ्ट वैली मतलब भ्रंश घाटी से निकलती है और बहती हुई उत्तरी सागर में जाकर मिल जाती है। अब देखिए रिफ्ट वैली क्या होता है ये मैं आपको अच्छे से बता देता हूं। देखिए ध्यान से सुनिएगा, जब पृथ्वी के अंदर की प्लेटें जो है वो अलग अलग डायरेक्शन में खिसकना स्टार्ट कर देती है, तब जमीन जो है वो अंदर की ओर धस जाती है और धसी हुई जमीन जो है बड़ी बड़ी दरार के रूप में दिखाई देती है, जिसे क्या बोला जाता है? रिफ्ट वैली कहा जाता है। तो इसी तरीके की रिफ्ट वैली से राइन नदी का जो है वो उद्गम होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में। साथ ही ध्यान रखिएगा राइन नदी को ही कोयला नदी के नाम से भी जाना जाता है। कोयला नदी के नाम से किसे जाना जाता है? राइन नदी को। इसके बाद देखिए यूरोप की अगली इंपॉर्टेंट नदी आती है पो नदी। पो नदी जो है इटली में प्रवाहित होती है और इसे इटली की गंगा के नाम से जाना जाता है। किसे? पो नदी को। इसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट यूरोप की नदी आती है डॉन नदी। ये रूस की प्रमुख नदी है जो कि पश्चिमी रूस से निकलती है और बहते हुए अजोव सागर में गिर जाती है। डॉन नदी कहां पर गिरती है ये ध्यान रखिएगा, अजोव सागर में गिरती है। इसके बाद देखिए दो और इंपॉर्टेंट नदी है टाइबर नदी और टेम्स नदी। इन दोनों से रिलेटेड एक एक पॉइंट बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा। इटली की राजधानी रोम जो है वो टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है और इंग्लैंड की राजधानी लंदन जो है वो टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला महाद्वीप आता है हमारा अफ्रीका, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए अफ्रीका में सबसे पहली नदी आती है हमारी नील नदी, जो कि अफ्रीका के साथ साथ विश्व की सबसे लंबी नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है। इसकी लंबाई जो है वो कितनी है? 6,690 किलोमीटर है। ये नील नदी जो है एक्चुअल में दो नदियों का कॉम्बिनेशन है, श्वेत नील और ब्लू नील। श्वेत नील और ब्लू नील दो नदियों का कॉम्बिनेशन है नील नदी। इसमें से श्वेत नील नदी जो है ये विक्टोरिया झील से निकलती है और ब्लू नील नदी जो है इथोपिया की ताना झील से निकलती है। कहाँ से निकलती है? ताना झील से। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया था। आगे चलकर ये दोनों नदी जो है सूडान की राजधानी खार्तूम के पास आकर मिलती हैं और आगे बढ़ती हैं और मिलने के बाद ये नदी जो है क्या कहलाती है? नील नदी कहलाती है। जब ये नदी सूडान की राजधानी खार्तूम के पास आकर मिलती हैं और आगे बढ़ती हैं तभी इसे नील नदी कहा जाता है। ओके, अब आगे देखिए मैं आपसे एक इंपॉर्टेंट टर्म को डिस्कस करूंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे स्टूडेंट को यहाँ पर डाउट होता है, तो मैं आपको आसान बिल्कुल शब्दों में इसको समझाऊंगा। ड्रेनेज एरिया, अपवाह क्षेत्र क्या होता है? देखिए ड्रेनेज वर्ड जो है ये नदी तंत्र की व्याख्या करता है। ड्रेनेज एरिया में क्या होता है? अलग अलग दिशाओं से जब छोटी छोटी धाराएं मिलकर एक मुख्य धारा का निर्माण करती हैं तो इन छोटी छोटी धाराओं द्वारा कवर्ड एरिया ही क्या कहलाता है? ड्रेनेज एरिया कहलाता है।
अपवाह क्षेत्र कहलाता है। समझ में आया आपको? अलग अलग दिशाओं से जब छोटी छोटी धाराएं मिलकर एक मुख्य धारा का निर्माण करती हैं, तब इन छोटी छोटी धाराओं ने जितना एरिया कवर करा है उस एरिया को ही क्या बोलते हैं, ड्रेनेज एरिया बोला जाता है, अपवाह क्षेत्र बोला जाता है। तो ये वर्ड आपका क्लियर होना बहुत ही जरूरी है, ठीक है, क्योंकि इससे रिलेटेड देखिए एक दो क्वेश्चन बनते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो देखिए डायग्रामेटिकली भी आप इसको अच्छे से समझ पाए होंगे। इसमें ध्यान रखिएगा, नील नदी का जो ड्रेनेज एरिया है उससे देखिए छह प्रमुख देश जो है वो संबंधित हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। कौन कौन से? रवांडा, केन्या, सूडान, इथोपिया, युगांडा और मिस्र। और भी देश हैं बट आपको ये छह ध्यान रखना है जो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन इन्हीं में से पूछा जाता है। रवांडा, केन्या, सूडान, इथोपिया, युगांडा और मिस्र, ये छह जो देश हैं ये नील नदी के ड्रेनेज एरिया से संबंधित हैं। क्लियर? इसमें ध्यान रखिएगा, चार जो देश हैं अफ्रीका का वो नील नदी के ड्रेनेज एरिया का भाग नहीं है, चार। इससे रिलेटेड एक दो बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसके बाद देखिए अफ्रीका की इंपॉर्टेंट नदी आती है जायरे नदी, इसे कांगो नदी के नाम से भी जाना जाता है। ये अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी नदी है और ये नदी जो है जायरे नदी भूमध्य रेखा को दो बार काटती है। विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा को दो बार कौन सी नदी काटती है? जायरे नदी, कांगो नदी जिसे कहा जाता है। इसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट नदी आती है लिम्पोपो नदी, दक्षिण अफ्रीका की सीमा से निकलती हैं जो कि बहते हुए हिंद महासागर में गिर जाती हैं। गिरने से पहले ये मकर रेखा को दो बार काटती हैं, लिम्पोपो नदी जो है मकर रेखा को दो बार काटती हैं। देखिए तीन नदी हमने डिस्कस करी जो कि रेखाओं से संबंधित हैं, एक माही नदी जो कि कर्क रेखा को दो बार काटती हैं, जायरे नदी भूमध्य रेखा विषुवत रेखा को दो बार काटती हैं, लिम्पोपो नदी जो कि मकर रेखा को दो बार काटती हैं। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए अफ्रीका की इंपॉर्टेंट नदी आती है नाइजर नदी, इस नदी को ऑयल रिवर के नाम से जाना जाता है। तेल नदी किसे कहा जाता है? नाइजर नदी को कहा जाता है। पश्चिम अफ्रीका से निकलती है ये और गिनी की खाड़ी में जाकर गिर जाती है, नाइजर नदी। इसके बाद देखिए लास्ट अफ्रीका की इंपॉर्टेंट नदी हम डिस्कस कर लेते हैं जो कि है जाम्बेजी नदी। जाम्बेजी नदी जो है ये पश्चिमी जाम्बिया से निकलती है और बहती हुई हिंद महासागर में गिर जाती है। इसी नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात जो है वो स्थित है। अफ्रीका का फेमस विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? जाम्बेजी नदी पर स्थित है। साथ ही ध्यान रखिएगा अफ्रीका का प्रसिद्ध करीबा बांध भी जो है वो जाम्बेजी नदी पर स्थित है और इसी बांध से सबसे ज्यादा जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है अफ्रीका में, करीबा बांध से। तो फ्रेंड्स ये अफ्रीका की हमने सभी इंपॉर्टेंट नदियों को डिस्कस करा। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में देखिए सबसे प्रमुख नदी आती है मर्रे डार्लिंग नदी, जो कि दो नदियों का कॉम्बिनेशन है, मर्रे और डार्लिंग नदी। मर्रे नदी जो है ये कोस्ट्यूस्को पर्वत से निकलती है, आगे जाकर देखिए ये डार्लिंग नदी जो है इसमें आकर गिर जाती है और ये मर्रे डार्लिंग नदी कहलाती है। और ये मर्रे डार्लिंग नदी जो है आगे बहती हुई हिंद महासागर में जाकर गिर जाती है। मर्रे नदी की लंबाई की बात करते हैं तो लगभग 2500 किलोमीटर इसकी लंबाई है और डार्लिंग नदी की बात करते हैं तो देखिए इसकी लगभग लंबाई है 1400 किलोमीटर। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो दोनों के कॉम्बिनेशन से ही पूछा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी जो है वो कौन सी है, तो मर्रे डार्लिंग नदी आपको ऑप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए अगले महाद्वीप की ओर चलते हैं, वो आता है दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका की देखिए सबसे इंपॉर्टेंट नदी की बात करते हैं, वो है अमेजन नदी। अमेजन नदी जो है वो दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है और साथ ही साथ ये विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। ये नदी जो है एंडीज पर्वत से शुरू होती है और अटलांटिक महासागर में गिरती है। विश्व की सबसे चौड़ी नदी जो है वो कौन सी है? अमेजन नदी ही है। ध्यान रखिएगा ड्रेनेज एरिया के अनुसार, जो अपवाह क्षेत्र है उसके अनुसार विश्व की सबसे बड़ी नदी की अगर बात की जाए तो वो कौन सी है? दक्षिण अमेरिका की अमेजन नदी है। इसका अपवाह तंत्र जो है वो सबसे ज्यादा बड़ा है पूरे विश्व में इस नदी का। किसका? अमेजन नदी का। 70 लाख वर्ग किलोमीटर जो है इसका अपवाह क्षेत्र है, नील नदी से भी ज्यादा। तो अगर आयतन ड्रेनेज एरिया के अनुसार अगर बात की जाए कि विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो कौन सी है? अमेजन नदी है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, इसमें स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो कौन सी है? नील नदी है। पर अगर आपको देखिए ध्यान रखिएगा ड्रेनेज एरिया या फिर आयतन इस तरीके से घुमा फिरा के अगर क्वेश्चन पूछते हैं तो वहां पर आप ध्यान रखिएगा अमेजन नदी जो है वो विश्व की सबसे बड़ी नदी है।
इसके बाद देखिए दक्षिण अमेरिका की अगली इंपॉर्टेंट नदी आती है परना नदी। दक्षिण अमेरिका की दूसरी सबसे बड़ी नदी है जो कि ब्राजीलियन उच्च भूमि से निकलती हैं और कौन कौन से देश कवर करती हैं, ब्राज़ील, पराग्वे, अर्जेंटीना में बहते हुए ये अटलांटिक महासागर में जाकर मिल जाती हैं। ठीक है, परणा नदी। तो दो नदी हमने डिस्कस करी दक्षिण अमेरिका की, बस ध्यान रखिएगा अमेजन नदी और परणा नदी, ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं होगा आपको। इसके बाद देखिए अगला महाद्वीप आता है हमारा उत्तर अमेरिका, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए मैं आपको 4 से 5 नदियाँ जो है वो बताऊँगा आपको, उनके बारे में देखिए सारी इन्फॉर्मेशन ध्यान रखना है। सबसे पहली आती है देखिए मिसिसिपी मिसौरी नदी, ये उत्तर अमेरिका की सबसे लंबी नदी है, मिसिसिपी मिसौरी नदी, जो कि दो नदियों का कॉम्बिनेशन है, मिसिसिपी और मिसौरी, जैसे कि नाम से हमको क्लियर हो रहा है। मिसिसिपी नदी जो है इसका उद्गम कहाँ से होता है ये ध्यान रखिएगा, इटास्का झील से इसका उद्गम होता है मिसिसिपी नदी का। और सेंट लुइस में यहाँ पर देखिए मिसौरी नदी आती है और दोनों नदी का कॉम्बिनेशन होता है यहाँ पर सेंट लुइस में, और ये मिसिसिपी मिसौरी नदी बनकर आगे की ओर बहती हैं और मैक्सिको की खाड़ी में जाकर गिर जाती हैं। इस नदी की कुल लंबाई जो है वो कितनी है, 6,240 किलोमीटर है। ये नदी जो है मिसिसिपी मिसौरी नदी विश्व का सबसे बड़ा नदी तंत्र जो है वो बनाती हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो ये हमने डिस्कस करा उत्तर अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, मिसिसिपी मिसौरी। सेकेंड देखिए इंपॉर्टेंट नदी आती है उत्तर अमेरिका की, सेंट लॉरेंस नदी। ये भी उत्तर अमेरिका की प्रमुख नदी है जो कि ग्रेट लेक्स को अटलांटिक महासागर से कनेक्ट करती हैं। ग्रेट लेक्स क्या है ये मैं आपको देखिए झील वाले वीडियो में बता चुका हूँ। उत्तर अमेरिका में प्रमुख 5 झीलों का समूह है ग्रेट लेक्स, जिसके अंदर ऑन्टेरियो झील आती हैं, इरी झील आती हैं, यूरोन झील आती हैं, मिसिसिपी झील आती हैं और सुपीरियर झील आती हैं। तो इन 5 झीलों के समूह को जो अटलांटिक महासागर से नदी कनेक्ट करती हैं वो कौन सी हैं, सेंट लॉरेंस नदी हैं। ध्यान रखिएगा ये विश्व का सबसे व्यस्तम आंतरिक जल परिवहन मार्ग जो है वो बनाती हैं, सेंट लॉरेंस नदी। इसके बाद देखिए उत्तर अमेरिका की अगली इंपॉर्टेंट नदी आती है मैकेंजी नदी, जो कि कनाडा की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट आती है हडसन नदी। हडसन नदी के किनारे ही उत्तर अमेरिका का देखिए प्रमुख शहर न्यूयॉर्क जो है वो स्थित है, हडसन नदी के किनारे। उत्तर अमेरिका में देखिए लास्ट हम नदी डिस्कस करेंगे वो है रियो ग्रांडे नदी। रियो ग्रांडे नदी जो है ये यूएस और मैक्सिको की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, कौन सी, रियो ग्रांडे नदी, और बहते हुए ये कहाँ पर गिर जाती हैं, मैक्सिको की खाड़ी में गिर जाती हैं। तो ये उत्तर अमेरिका की सभी इंपॉर्टेंट नदियों को हमने डिस्कस करा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखिएगा मिसिसिपी मिसौरी नदी। अब लास्ट में देखिए मैं आपको बताता हूँ कि सभी महाद्वीपों को अगर हम ऐड कर लें तो विश्व की 4 सबसे लंबी नदी कौन सी होगी। तो देखिए सबसे पहले नंबर पर आती है नील नदी, सेकेंड नंबर पर आती है अमेजन नदी, तीसरे नंबर पर आती है यांगसी नदी और चौथे नंबर पर आती है मिसिसिपी मिसौरी नदी। तो ये 4 जो है नदियाँ देखिए क्रम आप ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर हमारा ये थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है, विश्व की जितनी भी इंपॉर्टेंट नदियाँ हमने सारी डिस्कस करी। आई होप आपने ध्यान से सुना होगा, एक दो बार हमको बस ध्यान से सुनना होता है, सारी चीज़ें हमारे दिमाग में ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगी। चलिए अब टेस्ट की ओर चलते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। देखिए फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन है, अपवाह क्षेत्र ड्रेनेज एरिया की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी है, कौन सी नदी है। अमेजन नदी जो है वो ड्रेनेज एरिया की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, भूमध्य रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है, जायरे नदी, जिसे कांगो नदी के नाम से भी जाना जाता है, अफ्रीका में स्थित है जायरे नदी, ए आंसर। निम्नलिखित नदियों में कौन सी सबसे लंबी नदी है, देखिए अमेजन, आमूर, नाइजर, लीना, अगर इन सब में बात की जाए तो अमेजन नदी जो है वो सबसे लंबी नदी है, ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, अमेजन नदी। निम्नलिखित में कौन से देश नील नदी द्वारा अपवाहित नहीं होता है, देखिए नील नदी का जो अपवाह क्षेत्र है ठीक है उससे रिलेटेड देश कौन कौन से हैं, इथोपिया है, सूडान है, युगांडा है, 4 जो है वो नील नदी के अपवाह क्षेत्र का भाग नहीं है, 4 देश जो है वो नील नदी के अपवाह क्षेत्र का भाग नहीं है, ए आंसर यहाँ पर सही होगा। नीली नील नदी निम्नलिखित में से किस झील में से निकलती है, देखिए जो नील नदी है वो 2 नदियों का हिस्सा है, एक नीली नील नदी और श्वेत नील नदी। श्वेत नील नदी जो है वो विक्टोरिया झील से निकलती है और नीली नील नदी जो है वो ताना झील से निकलती है जो कि इथोपिया में स्थित है, तो यहाँ पर बी आंसर सही होगा। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं,
एशिया की निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण की ओर प्रवाहित होती हैं? आमूर, लीना, ओब, साल्विन। ये तीनों नदियां जो है, आमूर, लीना, ओब, ये रूस की प्रमुख नदियां हैं जो कि उत्तर की ओर बहती हैं, और साल्विन नदी जो है ये दक्कन के पठार से निकलती हैं और दक्षिण की ओर बहती हैं। ठीक है, दक्षिण की ओर बहते हुए ये म्यांमार से निकलकर अंडमान सागर में जाकर गिर जाती हैं। साल्विन नदी म्यांमार की सबसे लंबी नदी है, तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल सही होगा। एशिया की सबसे लंबी नदी है, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगसी नदी। काला सागर में गिरने वाली नदी है, देखिए काला सागर में गिरने वाली नदी मैंने आपको बताई थी डैन्यूब और नीपर नदी, ये दो नदियां जो है वो काले सागर में गिरती हैं। सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, वोल्गा नदी कहाँ गिरती है? वोल्गा नदी जो है ये यूरोप की सबसे लंबी नदी है जो कि कैस्पियन सागर में गिरती हैं, वल्दाई के पहाड़ से निकलती हैं और कैस्पियन सागर में गिरती हैं। ये निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रंश घाटी रिफ्ट वैली से निकलती हैं? कौन सी नदी निकलती हैं? राइन नदी रिफ्ट वैली से निकलती हैं। ये मैं आपको बता चुका हूँ रिफ्ट वैली किसे कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एशिया से संबंधित नहीं है? वांगो नदी बिल्कुल संबंधित है, आमूर नदी भी संबंधित है, नाइजर नदी, साल्विन नदी। साल्विन नदी भी जो है वो एशिया में पड़ती है। नाइजर नदी जो है इसे देखिए क्या कहा जाता है, तेल नदी कहा जाता है नाइजर नदी को, जो कि अफ्रीका की प्रमुख नदी है। यहाँ पर सी आंसर सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को दो बार काटती है? कौन सी नदी मकर रेखा को दो बार काटती है? लिम्पोपो नदी। महावेली गंगा एक नदी है, महावेली गंगा नदी जो है श्रीलंका में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। सी आंसर। हिमानी झील इटास्का निम्नलिखित नदियों में से किस एक का स्रोत है? मिसिसिपी नदी जो है वो इटास्का झील से निकलती है, मैंने आपको बताया था, तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल सही होगा। यूरोप की कौन सी नदी कोयला नदी के नाम से जानी जाती है? कौन सी नदी कोयला नदी के नाम से जानी जाती है? राइन नदी। यूरोप की सबसे लंबी नदी है, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भूमध्य रेखा के समीप से होता है? अमेजन नदी, नील नदी, जेम्बेजी नदी, इरावदी नदी। तो देखिए यहाँ पर नील नदी जो है इसका उद्गम जो होता है वो भूमध्य रेखा के समीप होता है। आप दक्षिण अफ्रीका का जो मैप देखेंगे उसमें आपको क्लियर हो जाएगा, बी आंसर यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी किसको कहा जाता है? किसे कहा जाता है? वांगो नदी को विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी कहा जाता है। किस नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है? यूरोप की जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं? राइन नदी को कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस नदी को तेल नदी ऑयल रिवर के नाम से जाना जाता है? किसे जाना जाता है? अफ्रीका की नाइजर नदी को। एशिया की विशाल नदी मेकांग निम्नलिखित देशों में से किसमें नहीं बहती है? चीन में बहती है, कंबोडिया में भी बहती हैं, लाओस में भी बहती हैं, मलेशिया में देखिए मेकांग नदी जो है वो नहीं बहती हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बी आंसर सही होगा। मर्रे डार्लिंग नदी कहाँ पर बहती हैं? मर्रे डार्लिंग नदी जो है ये देखिए ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदी है। नील नदी कहाँ गिरती हैं? नील नदी जो है वो देखिए उसका उद्गम कहाँ से होता है, मैंने आपको बताया था विक्टोरिया झील से उसका उद्गम होता है। ओके, श्वेत नील नदी का, और कहाँ पर गिरती हैं? ये भूमध्य सागर में गिरती हैं, बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, कौन सी यूरोपियन नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काले सागर में गिरती हैं? कौन सी नदी? डैन्यूब नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काले सागर में गिरती हैं। ओब नदी किसमें गिरती हैं? ओब नदी जो है देखिए ये रूस की इंपॉर्टेंट नदी है जो कि कहाँ पर गिरती है? आर्कटिक सागर में गिरती हैं, डी आंसर। किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? किसे कहा जाता है? हुआंगो नदी को कहा जाता है, क्योंकि अधिकतर टाइम पर इसमें बाढ़ देखने को मिलती है जिस वजह से इसे चीन का शोक कहा जाता है, और ये नदी चीन में बहती हैं, बी आंसर यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, लंबाई के घटते क्रम में विश्व की लंबी नदियां हैं। देखिए सबसे पहले आएगी सबसे बड़ी नदी नील नदी, उसके बाद में अमेजन नदी, फिर आती है यांगसी, पर यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है, तो देखिए उसके बाद है मिसिसिपी मिसौरी नदी, तो बिल्कुल डी आंसर यहाँ पर सही होगा। एशिया की निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है? कौन सी नदी? साल्विन नदी दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। विश्व की सबसे चौड़ी नदी है, विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? अमेजन नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, विश्व की सबसे लंबी नदी है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी, डी आंसर। तो फ्रेंड्स देखिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं और बड़ी आसानी से सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए हमने कुछ क्वेश्चन लिए हैं और
ये क्वेश्चंस के अलावा जितने मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं उनको भी ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके के जब भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आपको उसका बेनिफिट मिलता रहेगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।